दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपने यजमान लोकल न्यूज चैनल आपकी आवाज़। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में किस किस लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2017 से 18 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, या 2018-19 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी पंचायत के लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि किस लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। तो दोस्तों हमारे चैनल आपके अपना यजमान लोकल न्यूज चैनल के द्वारा ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आप आसानी से अपने पंचायत, अपने क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, उसमें गूगल में आप सर्च कर लीजिए PMAY सर्च करने के बाद में आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन खुलता है। तो आप दूसरा नंबर जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG करके है, तो उस पर आप क्लिक कर दें। तो क्लिक करने के बाद जो है वो पेज खुल जाएगा और धीरे धीरे वो पेज खुल रहा है, और देखिए ये पेज खुल चुका है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन फिल्टर्स करके है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए जो आपका मेरा बिहार है, तो मैं बिहार सिलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो सिलेक्ट, जैसे जिला, तो जिला आपका जो भी हो आप उस सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा मुजफ्फरपुर है, तो एग्जाम्पल के लिए आप सबों के लिए मुजफ्फरपुर ही क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर क्लिक करने के बाद में एक तीसरा नंबर का भी ऑप्शन है यहाँ पे, जो आपका जो प्रखंड है वो सिलेक्शन करना है। तो हम यहाँ पे अपना, हमारा जो प्रखंड है वो कटरा प्रखंड है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद जो नीचे का जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो चौथा नंबर का जो ऑप्शन है, उसमें आपका पंचायत सिलेक्शन करना है। तो मैं आपको जजवार वेस्ट, जो मेरा पंचायत है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, तो उस पंचायत पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जजवार वेस्ट पे क्लिक करने के बाद में नीचे भी एक ऑप्शन आता है, ये नीचे जो ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से साल का लिस्ट देखना चाहते हैं, 2011-10-11 का देखना चाहते हैं, या 11-12 का देखना चाहते हैं, या 12-13 का देखना चाहते हैं, या 13-14, यानी आपको जिस भी साल का प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट देखना है तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 2017 और 2018, क्योंकि 2018 और 19 का लिस्ट इसमें उपलब्ध नहीं है, शायद डाटा अभी तक नहीं एंट्री हुआ होगा। तो हम 2017 और 2018 पे क्लिक करते हैं, और 2017 और 2018 पे क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन खुलता है कि आप कौन से योजना का देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का देखना चाहते हैं, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद अब सबमिट कर देना है, क्योंकि सब हमने भर दिया है, हमारा बिहार, मुजफ्फरपुर, कटरा और जजवार वेस्ट 2017-18 की जानकारी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में, फिर हमें इसे सबमिट कर देते हैं। और सबमिट करने के बाद में जो है थोड़ी देर के बाद ये पेज खुल जाएगा, और उसमें पूरी जानकारी, यानी किस लोगों को 2017 और 2018 में इस योजना का लाभ मिला, आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे उन सभी लोगों का नाम आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको लाइन से बता देता हूँ कि इस योजना के तहत में किन किन लोगों को 2017 और 2018 में इस योजना का लाभ मिला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं नाम बाय नाम आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 2017-18 में कितना लोगों को मिला, और 2018-19 में भी आप इस लिस्ट को कैसे
चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे 2017 और 2018 का जो जजुआर पश्चिमी का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लिस्ट है वो हमारे स्क्रीन पे खुल चुका है और हम आपको ये नाम पढ़ के बताएंगे। लगभग लगभग जिन लोगों को 2017 और 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में जजुआर पश्चिमी पंचायत में लाभ मिला है उनका नाम स्क्रीन पे आ चुका है। तो दोस्तों पहला नाम जो है वो अनीता देवी है, पति है पलट शाह। दूसरा है बबीता देवी, उनके पति का नाम है उमेश राय। और तीसरा है बटम राउत गलगल राउत। चौथा है ब्रह्मदेव महतो, पिता राम बहादुर महतो। पांचवा है चंदेश्वर सहनी, पिता लक्ष्मी सहनी। छठा है घूरन कमती, पिता कल्पेश्वर कमती। सातवां है दुखिया देवी, पिता सिया जानकी देवी जानकी। आठवां है जहाना खातून और पति है मन्नत मोहम्मद मनीत मीनत। और नौवां है पवित्री देवी धर्मेश्वर कमती। और दसवां नंबर पे है पूनम देवी विनेश ठाकुर। ग्यारहवां नंबर पर है राम वृक्ष सहनी और उनके पिता का नाम है सरजू सहनी। बारहवां नंबर है रानी देवी कामेश्वर कमती। तेरह नंबर है रीता देवी साझी ठाकुर। चौथा नंबर है चौदहवां नंबर पर जो है वो सत्येंद्र शाह काड़ी देवी। पंद्रह नंबर पे सोनी देवी सीताराम शाह। सोलह नंबर पे उर्मिला देवी होड़ी लाल राय। सत्रह नंबर पे विनोद मांझी। अठारह नंबर पे अनिरुद्ध सिंह युगल सिंह। उन्नीस नंबर पे असलम पिता मोहम्मद अंसार। और बीस नंबर पे अजमत खातून पिता मोहम्मद उस्मान। इक्कीस नंबर पे चंचला देवी राजेंद्र ठाकुर। और 22 नंबर पे है गुड्डू पंडित राम आधार पंडित। और 23 नंबर पर है कंचन देवी राम नंदन पंडित। 23 नंबर पे कंचन देवी और राम नंदन पंडित जी हैं। और 24 नंबर पे मोहम्मद नसीम पिता मोहम्मद गुआस। और 25 नंबर पर है मुस्मात मरनी देवी पति बिंदेश्वर राउत। 26 नंबर पे है मुनिंदर शाह पिता राम वृक्ष शाह। 27 नंबर पर है पवित्री देवी राम श्रेष्ठ ठाकुर। 28 नंबर पर है फूल कुमार ठाकुर शंभुनाथ ठाकुर। 29 नंबर पे राजेश शाह पिता मठेरन शाह। 30 नंबर पे है रोकसना खातून पति मोहम्मद नतुनी। 31 नंबर पर है सत्या देवी पति मुसाहिर महतो। 32 नंबर पर है शशि कुमार इंद्रदेव सिंह। 33 नंबर पर सुधीरा देवी। 34 नंबर पर सुजीत ठाकुर राजेश्वर ठाकुर। 35 नंबर पर उर्मिला देवी कृपाल ठाकुर। 36 नंबर पर विनोद राउत महावीर राउत। 37 नंबर पर अब्दुल हकीम पिता मोहम्मद फुल हसन। और 38 नंबर पर जो है वो अरुण झा पिता उत्तम लाल झा। 38 नंबर पे अरुण झा पिता उत्तम लाल झा। और 39 नंबर पे आशा देवी कपिल सहनी। 40 नंबर पर है भानु राउत पिता रिझा राउत। 41 नंबर पर छोटू सहनी पिता पलटू सहनी। और 42 नंबर पर गणेश सहनी जगन्नाथ सहनी। 43 नंबर पर है गंगा देवी मंगल शाह। 44 नंबर पर है जितेंद्र कुमार पिता रामदयाल सहनी। और 45 नंबर पर है खसलिया देवी पति फगुनी सहनी। 46 नंबर पर है खुशबू देवी और पति का नाम है उनका बद्री शाह। 47 नंबर पर है किरण देवी और पति है उनका इंद्रदेव सहनी। 48 मधुमाला देवी पति दिनेश कमती। और 49 नंबर पर जो है महेश राउत पति सुकम राउत। और 50 नंबर पे मोहम्मद सद्दाम
पिता है उनका अलाउद्दीन, और 51 नंबर पर जो है मोहम्मद सवीम, पिता है फुल हसन जी। 52 नंबर पर राजकुमार देवी और महेंद्र राय, और 53 नंबर पर है रामपरी देवी, रघुनंदन सहनी, और 54 नंबर है वो रंजू देवी फौजदार सहनी, और 55 नंबर है रेणु देवी धनेश्वर महतो, 56 नंबर पर शंभु सहनी जगदीश सहनी, और 57 नंबर पे समीना खातून मोहम्मद इरफान, 58 नंबर पर संजीव झा पिता जयराम झा, और 59 नंबर पर जो है शत्रुघ्न राउत मुन्नी राउत, और 60 नंबर पे सोबिता देवी पति फकीरा कमती, और 61 नंबर पर जो है सोने लाल पंडित पिता जगदीश लाल पंडित, और 62 नंबर पर सुरेश राउत पिता राजेंद्र राउत, 63 नंबर पर जो है त्रिभुवन मिश्रा जी हैं, पिता उनका दुखन मिश्रा जी है। तो दोस्तों ये जो लिस्ट था प्रधानमंत्री आवास योजना का जो 2017 और 2018 के साल में जजुआर पश्चिमी में नामांकित किया गया, तो 2017 और 2018 में लगभग 63 लोगों को इस योजना का लाभ मिला। तो दोस्तों आप लोग भी अपने पंचायत के अपने क्षेत्र का इस तरह से आप नाम चेंज करके, पंचायत चेंज करके, जिला चेंज करके, ब्लॉक चेंज करके आप अपने पंचायत और अपने क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी ले सकते हैं और पूरे पंचायत का लिस्ट एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आखिरी में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसके बाजू में ही उसके पास में ही एक बेल आइकॉन है उस पर आप जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारा जो भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा वो डायरेक्ट और सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।